टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख है और मुमराह शहर में जुलूस ताजिया निकाला गया है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और करबला के प्यासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत की याद में जुलूस निकाला गया है। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। मुमराह शहर के सुहाना कंपाउंड, अमृत नगर, शरीफा रोड, शमशाद नगर, नसीम बाग, आनंद कोलीवाड़ा और अन्य जगहों से शिया समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में ये जुलूस निकाला। इस जुलूस के दौरान पानी और शरबत भी लोगों में बांटे गए। हालांकि जुलूस में पुलिस का भी भारी बंदोबस्त लगाया गया था। खुद DCP अविनाश अंबूरे जुलूस के दौरान मौजूद रहे ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो सके। जुलूस के दौरान रोड के एक तरफ जो है ट्रैफिक डाइवर्ट कर दी गई थी, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत ट्रैफिक की भी समस्या हुई, मगर आज हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में लोगों की आंखें भर आई। देखिए, ये कुर्बानी जो है वो तमाम इंसानियत के लिए एक सबक है। ये पूरी इंसानियत के लिए कुर्बानी, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, तमाम लोगों के लिए। आप जोश मलियावादी का शेर आपके लिए लगा, तमाम आपके व्यूवर्स के लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। ये आज इस मुमरा कौसा में, इस सरजमीनी मुमरा कौसा में ये शेर बिल्कुल फिट हो रहा है। वजह यह है कि ये जो आशूरे का जुलूस है, इसमें तमाम फिरके के लोग इसमें शामिल होते हैं। मुसलमान में हर सारे मुसलमान इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा हमारे हिंदू बिरादर जो है, इनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ मुमरा पुलिस स्टेशन का और कॉरपोरेशन का, इन्होंने बहुत कुशल इंतजाम किए। मुहर्रम का जो यहाँ पे जो जुलूस निकलता है, उसके लिए हमने यहाँ पे मुमरा से करीबन हमारे 200 कर्मचारियों का स्ट्रेंथ का बंदोबस्त हमने लगाया है। साथ ही साथ करीबन 20 अधिकारी और SRP का 2 प्लाटून और RCP का 1 प्लाटून भी लगाया हुआ है यहाँ। मुझे कुछ इसमें मुमरा के जो लोग हैं वो काफ़ी शांति प्रिय है, और आज तक जितने भी त्यौहार हुए हैं और जितने भी कोई ऐसे जुलूस निकले हैं, उन्होंने हमेशा पुलिस को कोऑपरेट किया है, और मुझे यकीन है कि वो आज भी पुलिस को सहकार्य करके, कोऑपरेट करके आज का जो जुलूस है वो, उसकी समाप्ति वो अच्छी तरीके से करेंगे।